गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द प्रीवियस लेक्चर। ओके, जो हमने प्रीवियस लेक्चर या प्रीवियस सेशन के अंदर में जो भी चीजें डिस्कस की थी, सबसे पहले एक बार उसको हम लोग रिवाइंड कर लेते हैं। क्या क्या चीजें हमने कल डिस्कस की थी? कल हम लोगों ने डिस्कस ये किया था फीचर्स ऑफ जावा, ठीक है ना। जावा के जो फीचर्स यूज किए गए थे, जिसके अंदर में जावा सिंपल था, रोबस्ट था, मल्टी थ्रेडेड था, इस तरीके की प्रॉपर्टीज जो हम लोगों ने देखा था, ठीक है। आज मैं एक बार स्लाइड भी एक बार शेयर कर रहा हूँ फिर से एक बार, ठीक है। उसके बाद जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा था, वहां पे जावा को हम लोग कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, ठीक है। व्हाई जावा इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ JVM, है ना, जावा वर्चुअल मशीन का क्या रोल होता है। इसके अंदर मैंने ये भी बताया था कि जावा को प्रोग्राम को हम सबसे पहले कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद क्या बनता है, क्लास फाइल बन जाता है। क्लास फाइल बनने के बाद दैट मींस कि जो क्लास फाइल है दैट इज द बाइट कोड, ठीक है ना। जो क्लास फाइल है दैट इज द बाइट कोड। ये कंफ्यूजन बहुत लोगों का रहता है कि बाइट कोड एग्जीक्यूट होता है या मशीन कोड एग्जीक्यूट होता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, हाई लेवल लैंग्वेज अगर हम यूज कर रहे हैं, तो लास्ट अल्टीमेटली आपको क्या करना होता है, आपको बेसिकली मशीन लैंग्वेज को ही क्या करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, सी का प्रोग्रामिंग हो, C++ का हो, जावा का हो, .NET का हो, किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर में अल्टीमेटली वी हैव टू कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द लो लेवल लैंग्वेज, दैट इज द मशीन लैंग्वेज। क्लियर है? तो जावा के अंदर में जो कंपाइलेशन होता है, सबसे पहले कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद डॉट क्लास फाइल बनता है। डॉट क्लास फाइल इज जस्ट लाइक अ कलेक्ट बाइट कोड। ओके, जो भी हम कोड लिख रहे हैं उसको सबसे पहले वो बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, और देन उसको क्या करता है, JVM, है ना, जावा वर्चुअल मशीन, देन उसको इंटरप्रेट करता है, और इंटरप्रेट करके उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता है। समझ में आ गया ना? तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहले जावा कंपाइल होगा, कंपाइल होने के बाद बाइट कोड बन जाएगा, बाइट कोड में बनने के बाद वो क्या होता है, देन हम लोग उसको इंटरप्रेट करेंगे, इंटरप्रेट करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मशीन कोड में कन्वर्ट होगा, और देन हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर में हम लोगों ने ये भी एक कंपैरिजन देखा था कि जावा इज अ वेरी स्लोअर लैंग्वेज देन द सी और C++। इसके पीछे बेसिक रीजंस भी आपको बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो सिंपली अगर सपोज कीजिए कि सी का जो प्रोग्राम है, दिस इज द कंपाइलर बेस्ड, वहां पे हम सिर्फ कंपाइलर यूज करते हैं, और कंपाइलर से यूज करने के बाद हाई लेवल लैंग्वेज हमारा लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन जब हम जावा की बात करते हैं, तो जावा का जो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है, इट कंसिस्ट टू स्टेप्स। दैट मीन्स कि यहाँ पे करके उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करते हैं, और बाय द हेल्प ऑफ JVM, ठीक है ना, वो क्या होता है, वो बाइट कोड किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है आपका कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का, ठीक है। इसके बाद मैंने ये डिस्कस किया था कि JVM, व्हाट इज द मेन फीचर्स ऑफ JVM। JVM का जो वर्क है वो है आपका बेसिकली बाइट कोड को मशीन कोड में चेंज करना, और मैंने यहाँ पे तीन टर्म्स आपको बताए थे, है ना। एक टर्म्स यूज किया था JDK, दूसरा यूज किया था JRE, और तीसरा यूज किया था JVM, ठीक है ना। JDK, JVM और JRE, ओके। JDK means Java Development Kit, JRE means Java Runtime Environment, and JVM means Java Virtual Machine, ओके। इसको बेटर प्रेजेंट करने के लिए मैं एक वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल ओपन कर रहा हूं, उसमें मैं एक बार थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूं किस तरीके से करते हैं हम लोग। ओके, बेसिकली देयर आर थ्री JVM, ओके, स्क्रीन इज विजिबल, यस सर। ओके गुड, इसको कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा अच्छे से दिखेगा आप लोगों को, ठीक है। जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है, ये जावा वर्चुअल मशीन है, ठीक है ना।
ये किसके साथ एसोसिएटेड होता है? इट इज एसोसिएटेड विथ जेआरई, इट इज एसोसिएटेड विथ जेआरई। जेआरई का फुल फॉर्म क्या होगा? जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है ना, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो बेसिकली जेआरई के थ्रू ही आपका क्या होता है, प्रोग्राम किस में कन्वर्ट होता है, लिखते हैं, इट कन्वर्ट्स बाइट कोड इनटू मशीन कोड। ओके, मशीन कोड का मतलब क्या है? दैट मीन्स की कंप्यूटर रीडेबल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, ये इसका काम होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जेडीके, जेडीके, जेडीके का फुल फॉर्म क्या होता है? जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट, अकॉर्डिंग टू इट्स नेम, जावा डेवलपमेंट किट, दैट मीन्स इट प्रोवाइड्स एन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट वेयर वी कैन डेवलप एनी जावा एप्लीकेशन। ओके, इट प्रोवाइड्स एन एनवायरमेंट वेयर वी कैन डेवलप एनी जावा एप्लीकेशन। यानी जेडीके, जेडीके क्या है? जावा डेवलपमेंट किट। जैसे आप किट का मतलब समझते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना क्रिकेट किट है, ड्राइंग किट है, तो ड्राइंग किट का मतलब क्या है? दैट मीन्स कि एक ऐसा किट जिसके अंदर में अगर हमें ड्रॉइंग करना है तो उससे रिलेटेड हम सारा वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है ना? ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारे पास किट अवेलेबल नहीं है तो दैट मीन्स कि हमें अलग अलग जगह से हमें डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से जेडीके का मतलब ये है कि जो भी एप्लीकेशन हम लोग डेवलप करते हैं, तो बेसिकली जावा के अंदर में हमें किस किस तरीके का एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं? हम लोग कर सकते हैं विंडोज एप्लीकेशन, ठीक है ना, विंडोज एप्लीकेशन। दूसरा क्या है? वेब बेस्ड एप्लीकेशन। वेब बेस्ड एप्लीकेशन का मतलब समझते हैं ना, वेब बेस्ड का मतलब वेबसाइट, ठीक है ना। इसके बाद नेटवर्किंग बेस्ड एप्लीकेशन, नेटवर्किंग बेस्ड एप्लीकेशन। इसके बाद और क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, डेवलप कर सकते हैं यहाँ पे? और मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। तो इतने तरीके का एप्लीकेशन हम लोग बेसिकली डेवलप कर सकते हैं, विंडोज एप्लीकेशन, वेब बेस्ड एप्लीकेशन, नेटवर्किंग बेस्ड एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, तो बेसिकली इट कैन बी, ऑल द एप्लीकेशन कैन बी डेवलप्ड बाय द थ्रू द जावा डेवलपमेंट किट। ओके, तो ये जो आपका बेसिकली कॉन्सेप्ट है, ये हो गया आपका जावा, जेवीएम, जेडीके और जेआरई। अब यहाँ पे एग्जीक्यूशन का एक तरीका मैं बता देता हूँ, ठीक है ना, व्हाई जावा फ्लो ऑफ लिख देते हैं, फ्लो ऑफ प्रोग्राम, फ्लो ऑफ जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है ना, किस तरीके से इसका एक फ्लो होता है हमारा। ठीक है, देखिए जावा का प्रोग्राम जब भी हम एग्जीक्यूट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोग्राम को लिखने के बाद उसको सेव करेंगे, ठीक है ना। सेव करने का बेसिकली तरीका ये होता है, जनरली जैसे आप सी और सी प्लस प्लस में क्या करते थे, जैसे जो भी इच्छा हो आप लिख देते हैं, लेकिन जावा के प्रोग्राम्स को जब भी आपको बनाना है या उसको फाइल को सेव करेंगे तो हमेशा ये चीज ध्यान रखेंगे कि उसको हम कैपिटल लेटर, पहला जो लेटर होगा इट विल बी ऑलवेज अ, शुड बी अ कैपिटल। जैसे मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं फर्स्ट, तो एफ हमारा कैपिटल होगा और बाकी सारा स्मॉल होगा, फर्स्ट डॉट जावा, ठीक है ना, पहला प्रोसेस हो गया। इसके बाद इसको हम कंपाइल करेंगे, तो कंपाइल करने का तरीका क्या है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं सेव द प्रोग्राम। फर्स्ट आपका क्या है, सेव द प्रोग्राम विथ डॉट जावा, ठीक है ना, किसके थ्रू करेंगे, डॉट जावा के थ्रू हम उसको सेव कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, कंपाइल करना है। तो आप सोचेंगे ना कंपाइल कैसे करते हैं, जैसे सी में अल्ट प्लस सी कर देते थे तो कंपाइल हो जाता था, ठीक है ना, अल्ट प्लस सी, है ना, और फिर आप रन भी करा लेते थे उसको। तो यहाँ पे जो कंपाइलेशन का तरीका है उसके लिए हम एक लिखते हैं जावा सी,
जावा सी और फाइल का नाम, फाइल का नाम क्या है, FIRST first dot java, ठीक है ना, दिस इज द नेम ऑफ द क्लास, ठीक है ना। ये क्या होगा, कंपाइल होगा, तो यहां पे लिखते हैं कंपाइल द प्रोग्राम, ठीक है ना, ये कंपाइल करने का तरीका है। समझ में आ रहा है सबको, क्या लिखेंगे, जावा सी, आपको बस मैं ये सिर्फ बता रहा हूं एक प्रोसेस, ठीक है ना। आपको ये नहीं सोचना है कि अब हम लोग प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, प्रोग्राम जब आएगा तो हम बताएंगे, आपको बस ये चीज समझना है कि दैट मीन्स कि आपको ये चीज पता होना चाहिए कि कंपाइल करने के लिए हम क्या लिखते हैं, रन कराने के लिए क्या लिखते हैं, ये बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले सेव प्रोग्राम करेंगे डॉट जावा के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, कंपाइल, कंपाइल करने के लिए हम जावा सी लिखेंगे, फर्स्ट डॉट जावा, कंपाइल कर जाएगा प्रोग्राम। अगर कंपाइल कर जाएगा तो दैट मीन्स कि ड्यूरिंग द कंपाइलेशन क्या हो सकता है, सम एरर विल बी जनरेटेड, ठीक है ना। यहां पे लिख सकते हैं ड्यूरिंग द कंपाइलेशन सम एरर हैज बीन जनरेटेड या विल बी जनरेटेड करते हैं, ठीक है ना, विल बी जनरेटेड, ठीक है। यानी ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा एरर आएगा ही, लेकिन एरर आ सकता है। अब आप ये बताइए कि ड्यूरिंग द कंपाइलेशन किस तरीके का एरर आएगा, कंपाइल टाइम में, ये सॉरी सिंटेक्स एरर आएगा या लॉजिकल एरर आएगा, एनीवन? सिंटेक्स एरर। वेरी गुड, तो यहां पे क्या आ सकता है, जो एरर होगा वो क्या होगा, सिंटेक्स सिंटेक्स एरर, और दूसरा क्या आ सकता है बताइए तो, सिमेंटिक एरर। वेरी गुड, सिमेंटिक एरर, गुड, सिमेंटिक एरर, सही है ना। यानी ड्यूरिंग द कंपाइलेशन इट मे बी सम चांस, दैट मींस सम एरर विल बी जनरेटेड, तो सम एरर विल बी जनरेटेड ओनली ड्यू टू द सिंटेक्स एरर और ओनली ड्यू टू द सिमेंटिक एरर, क्लियर है। सिंटेक्स एरर आपको ऑलरेडी पता है कि व्हाट इज द सिंटेक्स एरर, सिंटेक्स एरर का मतलब ये है कि इच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैविंग इट्स ओन प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट, ओके, दैट मींस कि इट कंसिस्ट सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, ओके, एंड वी मस्ट हैव टू फॉलो सच टाइप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, ओके। अगर आप उस रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग जावा पढ़ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा चीजें हम लोग समझना पड़ेगा यहाँ पे भी, ठीक है ना। अब जैसे सी के अंदर में हम लोग क्या लिखते थे, डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट एफ लिखते थे ना, प्रिंट एफ लिख दिया यहाँ पे हेलो, ठीक है ना, दिस इज द इन प्रोग्रामिंग सी, ठीक है। लेकिन अगर हमें जावा के अंदर में अगर कोई भी, सपोज कीजिए कि हमें आपको कोई भी स्टेटमेंट डिस्प्ले करना है, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, सिस्टम, यहाँ पे system सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है ना, प्रिंट भी लिख सकते हैं, प्रिंट एल एन भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिस्टम यहाँ पे क्या है, एक क्लास है, यहाँ पे सिस्टम इज अ क्लास। देखिए जहां पे भी जो चीज जावा के अंदर में हमेशा चीज ध्यान रखना है कि जितने भी क्लासेस डिफाइन है उसका जो पहला लेटर है, फर्स्ट लेटर है, वो क्या है, कैपिटल लेटर में उसको डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई क्लास है स्कैनर, तो स्कैनर का एस जो होगा वो कैपिटल होगा, ठीक है ना। अगर हमारे पास सपोज कीजिए कोई क्लास है, सपोज कीजिए टेम्पलेट, तो टेम्पलेट में टी क्या होगा, कैपिटल होता है। समझ में आ गया, दैट मीन्स कि इट इज द ट्रेडिशनल अप्रोच दैट इज फॉलोड बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा, ठीक है। अब जावा को मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, जावा इज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। प्योर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जावा के अंदर में बेसिकली जो भी हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे वो सबसे पहले हम लोग क्लास ही क्रिएट करते हैं, और क्लास क्रिएट करने के बाद ही हम लोग क्या करते हैं, वर्क को परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप बस अभी ये समझिए कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के अंदर में, दैट मीन्स की प्रिंट एफ के जगह पे हम क्या लिखेंगे, सिस्टम, सिस्टम इज अ क्लास इसीलिए एस कैपिटल है, डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है ना। आगे का जब क्लास जो होगा जिसके अंदर में हम आपको पूरे जावा प्रोग्राम का एक पूरा का पूरा एक कंस्ट्रक्ट बताएंगे, स्ट्रक्चर बताएंगे, उस स्ट्रक्चर के अंदर में ये सारी चीजें मैं डिफाइन करूंगा कि सिस्टम क्या होता है, जैसे अभी बता दिया मैंने क्लास है, आउट क्या है, प्रिंट एल एन क्या है, ठीक है ना, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। बस आप यहाँ पे बस आप ये समझिए कि सी के अंदर में जो हम प्रिंट एफ यूज करते थे उसके जगह पे
और जैसे आपको सी प्लस प्लस में मैम ने ही बताया होगा कि प्रिंट एफ के जगह पे हम लोग यूज करते हैं सी आउट, ठीक है ना। और यहाँ पे जैसे लिख दिया हेलो, ये लिखते हैं किसमें, सी प्लस प्लस में। जावा में अगर हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और डबल कोट में जो भी स्टेटमेंट हमें लिखना है, जैसे मान लीजिए लिख देते हैं ओके हेलो एंड यहाँ सर पे, एक हाँ बार और समझाइए तो सर। फिर से बता देते हैं, देखिए ओके देखिए हम लोग बात ये कर रहे हैं कि सिंटेक्स एरर और सिमेंटिक एरर को हम आपको यहाँ पे समझा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जब हमें कोई वैल्यू को डिस्प्ले कराना होता है तो सी में क्या लिखते थे, प्रिंट एफ डबल कोट के अंदर में हेलो लिखते थे, क्लियर है। अगर हम जावा के सी प्लस प्लस की बात करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इन सी, कौन है जी, रवि कुमार ओके, इन सी है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये किस में होता है, इन सी प्लस प्लस में, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो दैट इज इन जावा, ठीक है। डिस्प्ले, किसी भी स्टेटमेंट को डिस्प्ले करने के लिए सी में प्रिंट एफ लिखते हैं, सी प्लस प्लस में आते हैं तो सी आउट ऑब्जेक्ट, इट इज ऑब्जेक्ट ऑफ आयो स्ट्रीम सी आउट, और उसके बाद यहाँ पे जब आते हैं तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। जहाँ सिस्टम, मैंने आपको बताया कि जावा जो है वो पूरा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, दैट मींस कि एवरीथिंग हैज बीन परफॉर्म्ड बाय यूजिंग द क्लास। अगर हमें कोई डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए भी हम क्लास यूज करेंगे, ठीक है। अगर कोई नंबर इनपुट करना है तो दैट मींस कि सारी चीजों के लिए हम क्लास पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो जो क्लास, जो भी हम नेमिंग कन्वेंशन है क्लास का, उसका ये आपका जो एक अप्रोच फॉलो किया जाता है, उसके अंदर में ये चीज है कि जो भी आपका क्लास का नाम होगा उसका पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। तो सिस्टम इज अ क्लास, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये जब आप लिखेंगे और डबल कोट में कुछ भी आप लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्ले कर जाएगा, दैट मीन्स की हेलो जावा, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि जावा में अगर हमें कोई भी चीज डिस्प्ले कराना है तो वी हैव टू राइट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ओके ठीक है, डबल कोट में लिखेंगे और यहाँ पे सेमी कॉलन से आप इसको टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंटेक्स एरर तभी आएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने सेमी कॉलन हटा दिया, या यहाँ पे डबल कोट लिखा है और इसको डबल कोट से हमने इनक्लोज नहीं किया है, तो ये सारे केसेज होंगे जहां पे आपका क्या हो सकता है, एरर जनरेट हो सकता है, ठीक है। दैट मीन्स कि वी हैव टू रिस्ट्रिक्टली फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन और ऑल द प्रोटोकॉल्स दैट इज यूजफुल फॉर द जावा प्रोग्रामिंग, ओके। तो ये अगर कंपाइल हो जाता है, सपोज कीजिए कि हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया, तो हमें क्या करना है, रन कराना है। तो रन कराने के लिए क्या लिखेंगे, जावा, और हमारे हमने जो प्रोग्राम बनाया था उस फाइल का नाम क्या रखा था, फर्स्ट डॉट जावा। लेकिन देखिए कंपाइल किया तो जावा सी फर्स्ट डॉट जावा, यानी फाइल विथ एक्सटेंशन लिखते हैं, लेकिन जैसे ही हम प्रोग्राम को रन कराएंगे तो उस केस में हम सिर्फ डॉट जावा नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ फाइल का नाम लिखेंगे विदाउट एनी एक्सटेंशन। तो फाइल का नाम विदाउट एनी एक्सटेंशन क्या हो सकता है बताइए, तो हेलो, फर्स्ट वेरी गुड, फर्स्ट। तो यहाँ पे जावा FIRST, अगर इसी के जगह पे अगर आप लिखेंगे FIRST, होता है ना गलती से हम लोग लिख देते हैं, तो उस केस में एरर आएगा नो क्लास फाउंड एरर। यानी नो क्लास फाउंड एरर का मतलब ये है, मैं लिख बता भी देता हूँ, यहाँ पे जावा फर्स्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे, लिख देते हैं हियर द क्लास, द नेम ऑफ क्लास इज नॉट करेक्ट, है ना, क्लास का नाम करेक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो जो हमने पहले जो क्लास यूज किया था उसमें क्या है, कैपिटल लेटर लिखा था ना, तो ये एरर जनरेट करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं पॉइंट नोट इट जनरेट्स, एंड क्या जनरेट करेगा, एरर, ठीक है ना। तो ये किस टाइप का एरर हो गया बताइए, तो रन टाइम एरर, ठीक है ना, क्योंकि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन हमारा ये एरर जनरेट हो रहा है, तो दिस विल बी नोन एज द रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर, ठीक है।
इट जनरेट्स एन एरर। अब ये एरर क्यों जनरेट करेगा, आप ये समझ में आ रहा है एरर क्यों जनरेट करेगा? एनीवन, व्हाट सर इज वहां पे स्मॉल सर लेटर जो में? फाइल का, जो फाइल का हाँ नेम है सर, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, इसमें स्मॉल है। यस। अब इसको देखिए, एकदम सिंपल देखिए अप्रोच एकदम। हर मैं ये चीज बार बार आप लोगों को बताता हूँ कि प्रोग्रामिंग जब आप पढ़ते हैं ना, तो बस ये चीज ध्यान रखें कि हर जगह कॉन्सेप्ट सेम है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा हम लोग क्लास पे काम कर रहे हैं, अगर हम इसी चीज को सी में लेके जाते हैं, तो अगर मान लीजिए कि आपने कोई वेरिएबल लिखा है इंट ए, स्मॉल ए, ठीक है ना, और इंट ए इक्वल टू 5 आप लिख रहे हैं, और कैपिटल ए को लेकर के आप इवेल्युएट करेंगे, तो वो इवेल्युएट होगा? नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा कि क्या बोलेगा उसमें, बताइए। धीरज सिंह, धीरज नाम साथ कोई स्टूडेंट ही नहीं अपने क्लास में? नो सर, कोई नहीं। ठीक है सर, तो जिस तरीके से आपका वेरिएबल्स आता है स्मॉल ए और कैपिटल ए, तो स्मॉल ए और कैपिटल ए के अंदर में डिफरेंस होता है ना वेरिएबल्स के अंदर में, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि वेरिएबल नॉट डिक्लेयर, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो इट जनरेट्स एन एरर, और जो एरर का जो मैसेज होगा वो क्या होगा? नो क्लास, क्लास नॉट फाउंड। हेलो, यस सर, नीरज बोल रहे हैं सर। हाँ बोलिए नीरज। धीरज नाम से हम ज्वाइन कर रहे हैं सर, एक्सेप्ट कर लीजिएगा सर, इससे लैपटॉप से कर लो। ओके ओके ठीक। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, समझ में आ गया? ओके क्या हो गया? क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये कैपिटल में हो जा रहा है, एक मिनट, एक्सेप्शन, ठीक है ना। क्या आ गया? ये एरर जनरेट करेगा, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। क्यों ये एरर जनरेट करेगा? क्योंकि हमने जो फर्स्ट डॉट जावा लिखा था, उस फर्स्ट डॉट जावा का जो हम कंपाइल करेंगे, ठीक है, तो कंपाइल करने के बाद क्या बनेगा? क्लास फाइल बनेगा, ठीक है ना। तो क्लास फाइल का जो नाम होगा वो क्या होगा? वो नाम होगा आपका फर्स्ट डॉट क्लास, ठीक है ना। यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं, आफ्टर द सक्सेसफुल कंपाइलेशन इट जेनरेट्स अ क्लास फाइल, क्लास फाइल हैविंग द नेम, उसका नाम क्या होगा? FIRST first dot class, ये उसका आपका नाम हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, ये आपका completely इसका नेम हो जाएगा, ठीक है। उसका नाम क्या होगा? फर्स्ट डॉट क्लास। जैसे ही हम कंपाइल करेंगे, फर्स्ट डॉट जावा भी रहेगा, ये तो हो गया सोर्स कोड, ये इसको बोलेंगे सोर्स कोड, और ये हमारा क्या हो जाएगा? बाइट कोड। यहां पे लिख देते हैं, दैट मीन्स बाइट कोड, क्लियर है? ठीक है, तो जो क्लास फाइल बना है वो किस नाम से बना है? FIRST के नाम से बना है, ठीक है, और हम उसी क्लास फाइल को एग्जीक्यूट कराते हैं। लेकिन जब यहाँ पे हम लिख रहे हैं जावा, और यहाँ पे हमारा पहला लेटर क्या है? स्मॉल है, तो दैट मीन्स कि क्लास फाइल को अगर ये सर्च करेगा तो इस नाम से तो कोई क्लास फाइल ही नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे एरर जनरेट करेगा, इट जनरेट्स एन एरर, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। मैंने आपको बताया था ना कि एक एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है जावा के अंदर में, जिसके अंदर में हम लोग रन टाइम को, एरर को अवॉइड करते हैं। तो ये रन टाइम एरर जो होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग, उसी के अंदर में एक क्लास बना हुआ है, ये क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। इसका मतलब ये है कि वैसे क्लास को अगर हम यूज करना चाह रहे हैं या कंपाइल रन कराना चाह रहे हैं, जो कि क्लास हमने बनाया ही नहीं है, उसका कोई क्लास फाइल है ही नहीं, तो उस केस में आपका क्या आएगा? क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। तो प्रोग्राम रन करने के लिए करेक्ट जो जो तरीका होगा, करेक्ट अप्रोच क्या होगा? लिखेंगे जावा और FIRST, ये आपका सही प्रोग्राम होगा, जावा फर्स्ट। अब आपका प्रोग्राम रन कर जाएगा, रन करने के बाद जो भी उसका आउटपुट होगा इट विल बी डिस्प्लेड। समझ में आ गया सबको? एनी डाउट?
सर जावा क्लास क्या आएगा सर? सर ये जावा डॉट क्लास को मतलब ये फर्स्ट डॉट क्लास खुद फाइल बनाएगा अपना कि नहीं? देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे सी के अंदर में जब आप प्रोग्राम कंपाइल कर लेते हैं तो कंपाइल करने के बाद कौन सा फाइल बनता है? ऑब्जेक्ट फाइल बनता है ना? यस सर। ठीक है, इसी तरीके से प्लीज बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम है अगर फर्स्ट डॉट जावा के नाम से, तो हम क्या करेंगे, कोई भी प्रोग्राम हमने लिखा, आप क्या करते हैं प्रोग्राम को लिखा और उसको क्या किया, सेव द प्रोग्राम विथ डॉट जावा, यानी फर्स्ट डॉट जावा से उसको सेव कर दिया। ठीक है, अब हमें प्रोग्राम को क्या करना है, कंपाइल करना है, तो कंपाइल करने के लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट पर लिखेंगे जावा सी और फाइल का नाम, यानी फर्स्ट डॉट जावा, ये फाइल नेम विथ एक्सटेंशन। ठीक है ना, डॉट जावा क्या है, एक्सटेंशन है, तो इसीलिए बोल रहे हैं फाइल नेम विथ एक्सटेंशन, इसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद जब ये कंपाइल हो जाएगा तो कंपाइल होने के बाद ये क्या बनाएगा, एक फाइल बना लेगा, ऑटोमेटिकली सेल्फ जनरेटेड फाइल बनेगा ये, उसका नाम होगा, जो आपका फाइल का नाम होगा फर्स्ट और उसका एक्सटेंशन हो जाएगा डॉट क्लास, यानी फर्स्ट डॉट क्लास। जो मैं आपको बोल रहा था ना कि प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, तो ये फर्स्ट डॉट क्लास जो है यही आपका क्या हो गया, बाइट कोड हो गया। ठीक है ना, अब हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया, अब हमें प्रोग्राम को रन कराना है, तो रन कराने के लिए हम क्या लिखेंगे, यस बोलिए सर। यहाँ पे जो आप बोल रहे हैं कि हमारा जो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, तो सर जब हम प्रिंट करवाएंगे उस टाइम में भी हमारा प्रिंट फर्स्ट लेटर पी कैपिटल होगा? फिर से बोलिए क्या बोल रहे हैं सर? आप बोल रहे हैं ना कि जो चीज हम लिखेंगे उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, तो सर अगर हम प्रिंट करवाते हैं तो प्रिंट का पी भी कैपिटल होगा? नहीं नहीं नहीं, प्रिंट यहाँ पे ये चीज बता रहा है ना, जैसे प्रिंटेफ जो हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे जावा में प्रिंट कराने के लिए तो ये स्टेटमेंट लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, समझ में आया? ये क्या लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। बेसिकली जो फर्स्ट लेटर कैपिटल जो हम आपको बता रहे हैं ना, तो जावा के अंदर में जितने भी क्लासेज बने हुए हैं उसका जो फर्स्ट लेटर है वो आपका कैपिटल होता है, इसीलिए हम लोग भी उस अप्रोच को फॉलो करते हैं, इट इज जस्ट लाइक अ ट्रेंड, ठीक है, जिसको हम लोग फॉलो करते हैं और इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। ओके यस थैंक यू सर। ओके यस बोलिए। कंपाइल कराने के लिए कमांड लाइन में टाइप करना होगा? हाँ हाँ हाँ, देखिए कमांड वो हम है ना, देखिए कल या नेक्स्ट जो डे आएगा उसके अंदर हम आपको सारा चीज बताएंगे, ये तो सिर्फ हम आपको सिंपली एक बता रहे हैं क्योंकि उस टाइम में जब हम बताएं तो आपको ये चीज मालूम हो कि हाँ कंपाइल करने के लिए हमें जावा सी लिखना होता है, रन कराने के लिए जावा लिखना होता है, ठीक है ना, इसलिए मैं एक प्रोसेस बता रहा हूँ आपको। ठीक है, बस एक हाँ बोलिए। प्रैक्टिकल मिलेगा ना सर? हाँ जी हाँ जी, प्रैक्टिकल ही मिलेगा सर। ये सिस्टम डॉट आउट सर क्लास हुआ ना सर? नहीं, सिस्टम क्लास है, देखिए मैं बता रहा हूँ, क्लास पहचाने का तरीका ये है, अगर मान लीजिए कि जावा का कोई कोड लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है, और आपसे उसमें किसी ने बोल दिया कि इसमें बताओ तो कौन कौन सा क्लास है, तो आप उसको माइन्यूटली देखिए और जो भी लिखा हुआ है कीवर्ड या जो भी कुछ लिखे रहे हैं उसके अंदर में जो पहला लेटर जिसका भी कैपिटल आपको दिख रहा है आप समझ जाइए कि दैट इज अ क्लास। ओके सर, ठीक है ना, बस सिंपल सा तरीका है, जो भी आपका फर्स्ट लेटर जावा के अंदर में जो भी कुछ लिखा हुआ है जिसमें भी अगर हम फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख रहे हैं आप ये समझ लीजिए कि या तो वो प्री डिफाइंड क्लास है या तो वो यूजर डिफाइंड क्लास है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे जो प्रोग्राम रन कराएंगे उसके लिए क्या लिखेंगे, जावा फर्स्ट, जावा फर्स्ट लिखेंगे, यहाँ पे प्रोग्राम कंपाइल रन कराने के लिए जावा लिख दिया और यहाँ पे फाइल का नाम विदाउट एक्सटेंशन, ये चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे लिख देते हैं हियर वी हैव नो मेंशन द एक्सटेंशन। ओके, यहाँ पे क्या करना है, जो एक्सटेंशन है यानी डॉट जावा है उसको यहाँ पे यूज नहीं करना है, सिंपली जावा और यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट, क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये देखा कि प्रोग्राम को किस तरीके से कंपाइल करते हैं, किस तरीके से रन करते हैं, तो ये जो प्रोसेस है ये बेसिकली, यहाँ पे एक और चीज आपको बता देते हैं थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, सपोज कीजिए कि यहाँ से एक हमारा ले लेते हैं एक बॉक्स, ये
ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एड टेक्स्ट, सपोज कीजिए लिख दिया हेलो डॉट जावा, है ना, ये क्या है हमारा सोर्स फाइल है। ठीक है, अब सोर्स फाइल को कंपाइल करना है, तो कंपाइल करने के लिए देखिए एक और चीज ले लेते हैं यहाँ पे, सपोज कीजिए यहाँ पे आ गया, ठीक है, इसको लेकर के कनेक्ट कर दे रहे हैं यहाँ पे, दैट इज द कनेक्टर। ठीक है, ये क्या बनेगा, ये जब कंपाइल करेंगे यहां पे लिख भी देते हैं जावा जावा सी, ठीक है, जावा सी और विथ फाइल का नाम, लिखेंगे फाइल का नाम हेलो डॉट जावा, ये लिखेंगे तब ये क्या होगा कंपाइल कर जाएगा, कंपाइल करने के बाद ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हेलो डॉट क्लास, ठीक है, जो कि हमारा क्या होगा ये बाइट कोड हो जाएगा, और फिर हम इसको रन कराएंगे यहां से, फिर इसको एक बार रन करा लेते हैं, सपोज कीजिए दिस इज ये, ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या लिख देंगे नीचे में, यहां पे लिख देंगे जावा और फाइल का नाम क्या लिखेंगे हेलो, देखिए कैपिटल में लिखना है ना पहला लेटर, यहां पे लिखेंगे हेलो, ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहां पे जो होगा फॉर हेलो जावा से जावा सी जब करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे कंपाइलेशन, और यहां से हेलो क्लास से जब यहां पे आएंगे तो दिस इज द इंटरप्रेशन इंटरप्रेटेड, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं जावा को कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ओके, समझ में आ गया सबको? यस सर। तो एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कि हम जावा को सबसे पहले कंपाइल करेंगे, ठीक है ना, तो कंपाइल करने के लिए आपको ये चीज बताइए कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपाइल करने के बाद हमारा कौन सा कोड होगा, क्लास फाइल ये बाइट कोड में कब कन्वर्ट होगा, आफ्टर द कंपाइलेशन या आफ्टर द इंटरप्रिटेशन? आफ्टर द कंपाइलेशन। गुड, वेरी गुड। और इंटरप्रेट, यस बोलिए, आफ्टर द कंपाइलेशन, आफ्टर द कंपाइलेशन बाइट कोड विल बी जनरेटेड, ठीक है ना, और जब हम कंपाइल, जब क्लास फाइल हमारा बन जाएगा और क्लास फाइल के बाद हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे या इंटरप्रेट करेंगे? इंटरप्रेट। गुड, वेरी गुड, इंटरप्रेट करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। हाँ, गुड, अब इंटरप्रेट करने के बाद क्या होगा बताइए, मशीन कोड में कन्वर्ट होगा। बहुत बढ़िया, इसका मतलब यह है कि बाइट कोड में से मशीन कोड में चेंज हो जाएगा, समझ में आ गया ना, और आपको ये पता है कि मशीन कोड ही बेसिकली जो हमारा कंप्यूटर है हार्डवेयर ही है ना पूरा का पूरा आपका सीपीयू के अंदर में, तो बेसिकली जो हम आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग से ही बताया जाता है कि कंप्यूटर ऑलवेज अंडरस्टैंड द मशीन कोड दैट इज द बाइनरी कोड, ठीक है ना, तो बाइट कोड को हम क्या करते हैं इंटरप्रेट करके उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, मशीन कोड में, ठीक है ना। अब ये बताइए कि बाइट कोड से मशीन कोड में जो कन्वर्ट करता है, ठीक है ना, बाइट कोड से मशीन कोड में कन्वर्जन का वर्क किसका है, JVM का है या JDK का है? JVM सर। वेरी गुड, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है, और JVM जो होता है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, JDK के साथ या JRE के साथ? JRE के साथ। बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छा कैच कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, देखिए ये सब चीज हम आपको बता रहे हैं ना, JDK और JRE, इसमें बेसिकली हम आपको इस चीज को लेकर के बार बार इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि इसमें है ना बहुत कंफ्यूजन रहता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स, ठीक है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है जैसे जो पढ़ भी ले रहे हैं उनको भी ये बार बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि कंपाइल होने के बाद मशीन कोड में होता है, मशीन कोड के बाद बाइट कोड होता है, ठीक है, या JDK का क्या रोल होता है, JRE किसके साथ एसोसिएटेड होता है, इसलिए हम इस पे ज्यादा फोकस आपको दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि व्हाट इज द रोल ऑफ द JDK, JDK का क्या रोल है सर? लास्टली प्रिंट करवाता है सर वो।
डेवलपमेंट किट है। यस, जावा डेवलपमेंट किट है। इट प्रोवाइड्स एन प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन डेवलप एवरी टाइप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं सर जेडी से। वेरी गुड गुड, चलिए ठीक है। अब आप लोग का अटेंडेंस लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ शिवम, आपने लिखा है क्वेश्चंस, ऑल थ्री जेबीएम जेआरई एंड जेडीके आर नेसेसरी टू राइट अ जावा प्रोग्राम। देखिए, राइट अ जावा प्रोग्राम के लिए तो हमारे लिए जेडीके ही आपके लिए सफिशियंट है, ठीक है ना। जेडीके इज सफिशियंट टू राइट द कोड फॉर इन टू डेवलप एनी एप्लीकेशन, बट व्हेन वी हैव टू एग्जीक्यूट सच टाइप ऑफ एप्लीकेशन देन वी हैव टू यूज जेआरई एंड जेबीएम। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था कि JVM और JRE चैट बॉक्स में अटेंडेंस नहीं करना है, मैं अभी लिंक शेयर कर रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे JVM और JRE इसका जो रोल है ये दोनों आपस में इंटीग्रेटेड है, ठीक है ना। JVM JRE के अंदर में JVM होता है। JRE का मतलब क्या होता है, जावा रन टाइम एनवायरमेंट, यानी जो भी आपने एप्लीकेशन डेवलप किया है उसको एग्जीक्यूट करने में वो एक एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है। एनवायरमेंट का मतलब क्या है कि दैट मींस वी हैव टू कन्वर्ट द बाइट कोड इनटू द मशीन कोड एंड दिस इज द इट इज द टोटल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द जेबीएम, दैट इज द जावा वर्चुअल मशीन। कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, है ना, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट को, जावा जो एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है उसके पीछे जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाने में वो कौन सा है, JVM, जावा वर्चुअल मशीन। क्यों? क्योंकि JVM जो होता है हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के इनसाइड मेमोरी के अंदर में ये अवेलेबल होता है, ठीक है ना। इसीलिए हम अगर प्रोग्राम को कंपाइल कर लिए, यानी हमारे पास अगर क्लास फाइल है तो उस क्लास फाइल को कॉपी करके किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप ले जा रहे हैं तो इजिली एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ में आ गया? या सिंपल आपके सिस्टम पे भी है, आप एक बार प्रोग्राम कंपाइल कर लीजिए और आप क्या करेंगे, जो हमारा जो सोर्स कोड है ना उसको डिलीट कर दीजिए। तो डिलीट करने के बाद हम तो उसमें मॉडिफाई तो नहीं कर पाएंगे ना, लेकिन जो हमारा हमारे पास जो कंपाइलेशन करने के बाद जो हमारा क्लास फाइल है उसको तो हम रन करा ही सकते हैं। तो उसको अगर आप रन कराएंगे तो इजिली रन हो जाएगा, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी आपका सी और सी प्लस प्लस में नहीं थी। सी के अंदर में अगर सोर्स कोड आप डिलीट कर दीजिएगा और ऑब्जेक्ट फाइल है तो आप प्रोग्राम को रन करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं, क्योंकि आपको सी और सी प्लस प्लस में ईच टाइम वी हैव टू कंपाइल एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। ओके ओके, चलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूं अभी लिंक। ओके, प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। इसके अंदर में वही आपका नेम, लास्ट का थ्री जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो, और लास्ट में सेक्शन, ठीक है ना। ये तीन फील्ड फिलअप करना है। और कोई क्वेश्चंस आप लोगों को पूछना है तो पूछते भी रहिए साथ में। हेलो रितेश, अमन आपको कुछ पूछना है? अमन कश्यप सर, यस, जो जेडीके है सर उसको रन करने के जेवीएम और जेआरई सर वो कौन नेसेसरी है? यस, इसमें होना जी जी। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, म्यूट कर लीजिए एक बार फिर, ठीक है। देखिए जेडीके का काम क्या है कि जेडीके अगर आपके पास है तो दैट मीन्स कि आप वहां पे कोड लिख सकते हैं, ठीक है, कोड लिखेंगे। लेकिन सिर्फ कोड लिखने से मतलब थोड़ी है, कोड जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं कराएंगे, ठीक है, तब तक आपका वो एप्लीकेशन डेवलप नहीं हो पाएगा। इंप्लीमेंट तभी होगा ना जब हम उसको एग्जीक्यूट करके उसका आउटपुट देखेंगे। तो जेडीके के अंदर में इट प्रोवाइड्स एन प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन राइट द कोड, ठीक है ना, वो कोडिंग आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे आपका वो प्रोग्राम रन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जेआरई नहीं है। जब देखिए जब प्रैक्टिकल सेशन होगा तो बेसिकली हम जावा को इंस्टॉल करके दिखाएंगे, और जावा को जब आप इंस्टॉल करेंगे तो वो जाकर के सी के प्रोग्राम फाइल्स के अंदर में एक फोल्डर बन जाता है जावा। उसके अंदर में दो फोल्डर बनते हैं, एक बनता है जेडीके और एक बनता है जेआरई, ठीक है। तो जेडीके और जेआरई दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पूरे पूरे प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए,
ठीक है अंकित सर। यस सर बोल रहे थे कि जैसे आप जो फॉर्म शेयर की आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो सर बोले कि हेलो सर आवाज आ रही है। हाँ जी आ रही है। सर बोल रहे थे जिसे कि जो फॉर्म आपने शेयर किया था अटेंडेंस के लिए अगर उस फॉर्म के तरह टेम्पलेट अगर डिजाइन करना चाहे खुद हाँ जी आराम से कर सकते हैं। उसके लिए AWT आप खोल सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट आता है एक, उसके अंदर में आप टेक्स्ट बॉक्स है, मेनू डिजाइन कर सकते हैं, चेकबॉक्स बना सकते हैं, सारा कुछ डेवलप कर सकते हैं AWT में। AWT जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है अब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट, जो कि आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जब आप डेवलप करते हैं किसी भी एप्लीकेशन के लिए तो उसमें आपको हेल्पफुल होता है। इसके अलावा एक स्विंग होता है, स्विंग SWING, इट विल बी आल्सो हेल्पफुल इन द टू डेवलप अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशंस। तो सर इसको वेबसाइट से लिंक भी कर सकते हैं? यस व्हाई नॉट। वेबसाइट के लिए आपको GSP करना होगा, उस देखिए हर एक चीज के लिए अलग अलग टूल्स हैं। जावा के अंदर में अगर आप साइट डेवलप करना है तो आपको GSP पढ़ना होगा, जावा सर्वर पेजेस जिस तरीके से आता है, ठीक है ना। और अगर आपको सिंपल विंडोज एप्लीकेशन बनाना है तो उसके लिए हम लोग सिंपली स्विंग के थ्रू भी काम कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। स्टार्टिंग में जो मैंने पहला क्लास बताया था उसमें आपको ध्यान होगा मैंने एक टर्म्स यूज किया था एप्लेट, ठीक है। तो एप्लेट जो है वो बेसिकली हमारा वेब पेज बनाने में हेल्पफुल होता है और उससे हम क्या करते हैं अपने वेब पेज को डायनेमिक भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर में बहुत सारी चीजें हम लोग उसमें डेवलप कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स डाल सकते हैं, चेकबॉक्स डाल सकते हैं, पैराग्राफ डाल सकते हैं, कमेंट एरिया डाल सकते हैं, बटन्स डाल सकते हैं, ठीक है ना, वो सारा चीज हम परफॉर्म कर सकते हैं उसपे। तो सर जावास्क्रिप्ट का वर्क है? देखिए जावास्क्रिप्ट और जावा ये दोनों डिफरेंट है। बेसिकली जावास्क्रिप्ट हम लोग यूज करते हैं वैलिडेशन के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई वेब पेज है उसके अंदर में आपने लिखा हुआ है एंटर योर नेम और एंटर योर मोबाइल नंबर, ठीक है। तो बेसिकली नेम के अंदर में जनरली होना तो ये चाहिए ना कि उसके अंदर में सिर्फ कैरेक्टर्स ही हम इनपुट कर पाए, ठीक है। तो अगर सपोज कीजिए कि हमें उस टेक्स्ट बॉक्स को रिस्ट्रिक्ट करना है कि यूजर कैन इंटर ओनली द कैरेक्टर्स, तो उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट, दैट मींस कि वहां पे हमें वैलिडेशन लगाना होगा। तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग बेसिकली वैलिडेशन का, ठीक है। अब जैसे मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर में सपोज कीजिए कि आपका 10 डिजिट होना चाहिए, अगर इंडिया का मोबाइल नंबर है तो फर्स्ट नंबर 9876, ठीक है, ये 4 डिजिट से स्टार्ट होना चाहिए और बाकी रिमेनिंग जो डिजिट हैं वो 0 से 9 के बीच में होना चाहिए ना ये चीज, ठीक है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वैलिडेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए वी यूज द जावास्क्रिप्ट, ओके। आप ये मत सोचिए कि जावास्क्रिप्ट इज अ पार्ट ऑफ द जावा, ठीक है ना, जावास्क्रिप्ट अलग चीज है, जावा अलग चीज है, ठीक है। एनी क्वेश्चन? अमन आप कुछ पूछ रहे थे? अमन यस सर। हाँ कुछ पूछ रहे थे आप, शायद मनु ने इंटरप्ट किया था बीच में। नहीं सर कोई कंफ्यूजन नहीं है, लाइन बाय लाइन समझ में आ रहा है। ओके समझ में आ रहा है ना। अच्छा ये चीज जो प्रोसेस है जो मैं आप लोगों को ये वर्ड का पेज ओपन करके वो सारा चीज लिख रहा हूँ, ये चीज आप लोगों को इंटरेक्टिव लग रहा है? मुझे लगता है वो PPT से ज्यादा हेल्पफुल होगा। यस सर वो क्लास वाला ये क्लास वाला फीलिंग आ रहा होगा आप लोगों को थोड़ा, नहीं सर जैसे है पढ़ा रहे हैं हाँ नहीं ठीक है ठीक है, इसलिए मैंने पूछा क्योंकि आप लोगों को भी थोड़ा सा एक लगना चाहिए ना कि ये। और चूंकि मैंने ऑनलाइन जो क्लासेज ली थी डेटा स्ट्रक्चर सी के अंदर में तो इसी तरीके से मैंने उन लोग को कराया था, ठीक है। तो उन लोगों ने अप्रिशिएट किया था, बोला था नहीं सर ये टेक्निक अच्छा है। तो मैंने सोचा कि PPT तो मेरे पास है लेकिन मैंने सोचा कि नहीं ये चीज हम आपसे भी आप लोगों के साथ भी उसको शेयर करें और मुझे ये पूछना भी था कि किस तरीके से आप लोगों को लग रहा है, ठीक है। सर क्लास के भी नंबर नहीं वो तो ठीक है लेकिन इसके अंदर में हम लोग कॉलेज में क्लास मिल जाएगा। हाँ कॉलेज चले